मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैदान छोटा पड़ गया है, वहां बहुत लोग धूप में तप रहे हैं, वो धूप में भी इतने धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मैं तो उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूं कि इतने धूप में वो खड़े हैं, लेकिन यहां वाले वे आगे आने की कोशिश करते हैं। अब मैदान में आगे आने की जगह नहीं भाई, जहां हो वहां रहो। अब मैं आपके पास आया हूं ना, इससे क्या है? आपका प्यार मुझे खींच के लाया है जी। आप कृपा करके आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। और आपका जो जोश है ना, 1 तारीख को भी जरूरत पड़ेगी और 4 को भी जरूरत पड़ेगी। बोले जय श्री राम। और साथियों, प्रभु राम जब आए, यज्ञ हुए, और आप देख रहे हैं वो कौन सी ताकत है जो राष्ट्र यज्ञ में बाधा डाल रही है। बक्सर के लोग जान रहे हैं ना, भारत एकजुट होकर विकास की बात करता है, लेकिन कौन विकसित भारत के संकल्प का मजाक उड़ाता है? भारत का दुनिया में सम्मान होता है, लेकिन कौन लोग हैं जो विदेशों में जाकर भारत को गाली देते हैं? भाइयों बहनों, 500 साल बाद, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कितनी पीढ़ियों की साधना, कितनी पीढ़ियों का इंतजार, कितनी पीढ़ियों का बलिदान, 500 साल बाद आप सबका एक सपना पूरा हुआ। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जब पूरा देश उत्सव मना रहा था, जब बक्सर के लोग रामलला के लिए उपहार भेज रहे थे, तब कौन लोग थे जो प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे थे? वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर को अपवित्र और पाखंड बता रहे हैं? यही कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन वाले लोग, यही उल्टी चाल वाले हर पवित्र यज्ञ में विघ्न डालने वाले लोग। मैं बक्सर की पुण्य धरती की जनता से पूछता हूं, आप जवाब देंगे ना? आप जवाब देंगे ना? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों को सजा करोगे कि नहीं करोगे? हर पोलिंग बूथ में उनका सफाया करोगे नहीं करोगे?